हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री जम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सो ये जो लॉ है दैट इज गिवन बाय हेल्महोल्ट्ज एंड रॉबर्ट मेयर। सो इन्होंने ये कहा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं उनकी जो एनर्जी है कॉन्स्टेंट होती है। सो आइसोलेटेड सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके अंदर एनर्जी और जो मैटर है एक्सचेंज नहीं होते हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग्स में। और तो यहाँ पे क्या होगा, जो एनर्जी है कि नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी जो है उसको ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ये जो एनर्जी है कन्वर्ट हो सकती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऑलराइट, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, सो इस लॉ की कुछ अदर स्टेटमेंट्स भी हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ये है, इट इज इम्पॉसिबल, ये किसी भी मशीन के लिए इम्पॉसिबल है। लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई मशीन है और वो प्रोड्यूस कर रही है वर्क विदाउट एनी कंज्यूमिंग एनर्जी। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी मशीन जो है वर्क प्रोड्यूस करे और वो किसी भी तरह की एनर्जी को कंज्यूम ना करे। और लाइक सेकेंड इज दैट, लाइक हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक गिवन अमाउंट ऑफ हमारे पास एनर्जी प्रेजेंट है सो वो डिसअपियर हो जाती है और उसी एग्जैक्ट अमाउंट की हमको जो है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है अपियर हो जाती है। ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की मैथमेटिकल इक्वेशन। सो यहाँ पे हमारे पास कोई सिस्टम है वो यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है हीट। सो हीट जो कंज्यूम कर रहा है दैट इज गिवन बाय क्यू एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम दैट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सो इंटरनल एनर्जी दैट इज डिनोटेड बाय यू और ई। ऑलराइट, सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हीट प्लस वर्क डन। सो ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। और यहाँ पे जो है एनर्जी चेंज हो रही है, इंटरनल एनर्जी जो है चेंज हो रही है फ्रॉम यू वन टू यू टू। सो यहाँ पे डेल्टा यू की जगह आ जाएगा यू टू माइनस यू वन दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ऑलराइट, सो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, अब यहाँ पे कुछ हम प्रोसेस लगाते हैं लाइक आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, इस तरीके से। सो अभी हम वो देखते हैं। सो सबसे पहले हम लगाते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट रहता है। सो सबसे पहले हम लगा रहे हैं आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। सो आइसोथर्मल प्रोसेस हम जब लगा रहे हैं सो यहां पे जो है टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट होता है, एंड यहां पे टेम्परेचर अगर कॉन्स्टेंट होगा सो ये जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू जीरो। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम ये जो डेल्टा यू की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहां पे आ जाएगी जीरो इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम यहां से क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, सो क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इधर चला जाएगा सो ये माइनस में हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। ऑलराइट, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हमारे पास हमने पहले जो क्लासेस हैं उसमें ये स्टडी किया है जो वर्क डन है रिवर्सिबल सिस्टम के लिए दैट इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन वी एफ डिवाइडेड बाय वी एल। सो ये इक्वेशन हमने स्टडी की है, तो ये वर्क डन है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे Q की वैल्यू आ जाएगी Q इज इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ बाय वी आई। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम नेचुरल लॉग लेते हैं सो Q की वैल्यू आ जाएगी 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ बाय वी आई। सो जब हम नेचुरल लॉग लेते हैं सो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 से एंड यहाँ पे लॉग आ जाता है, ये आ गई हमारी हीट की वैल्यू। अगर हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो इररिवर्सिबल है तो यहाँ पे वर्क डन फॉर इररिवर्सिबल सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल, यहाँ पे हमारे पास हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे थे, इंटू डेल्टा वी।
तो ये इक्वेशन भी हमने अपनी पिछली क्लासेस में स्टडी की है, तो इसकी इक्वेशन इस वैल्यू भी हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी जो है क्यू की वैल्यू आ जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है एंड यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। तो ये हमारी हीट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमने सबसे पहले स्टडी किया आइसोथर्मल प्रोसेस एंड देन उसके अंदर रिवर्सिबल के लिए वर्क एंड देन इरिवर्सिबल के लिए। ऑलराइट, सो अब हम स्टडी करते हैं जो प्रोसेस है उसके अंदर जो वॉल्यूम है दैट इज कॉन्स्टेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब यहाँ पे जो डेल्टा वी है दैट इज इक्वल टू जीरो, और हमारा जो फर्स्ट लॉ है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, और डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। यहाँ पे जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, बिकॉज हमने ये भी स्टडी किया है जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड यहाँ पे फोर्स जब प्रेशर होता है एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वॉल्यूम होता है, सो इसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एंड यहाँ पे ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू की जो वैल्यू है दैट इज माइनस पी डेल्टा वी। अब यहाँ पे जो है हमारा वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट है, और हमारी फर्स्ट इक्वेशन दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, एंड यहाँ से हमको पता है क्यू प्लस डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी, सो माइनस पी डेल्टा वी, सो यहाँ से डेल्टा वी की वैल्यू जीरो, सो ये होल टर्म जीरो, मतलब वर्क डन यहाँ पे हो गया जीरो, सो वर्क डन इज जीरो, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, ये आ जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, एंड यहाँ पे आ जाएगा वी नीचे सबस्क्रिप्ट में, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, सबस्क्रिप्ट वी बिकॉज यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कॉन्स्टेंट है। ऑलराइट, सो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर इंटरनल एनर्जी जो है इंक्रीज होगी तो यहाँ पे जो हमारे पास हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी, अगर यहाँ पे इंटरनल एनर्जी जो है कम होगी तो हीट जो है लॉस होगी फ्रॉम द सिस्टम। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे थर्ड जो है दैट इज यहाँ पे हम स्टडी करते हैं अडियाबैटिक प्रोसेस, अडियाबैटिक प्रोसेस। सो अडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो हीट प्रेजेंट होती है दैट इज इक्वल टू जीरो, तो क्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी जीरो। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट लॉ है इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट करेंगे, सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सो यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे फोर्थ जो प्रोसेस पढ़ेंगे ऑन द गैसियस सिस्टम। ऑलराइट, सो गैसियस सिस्टम के अंदर क्या होगा, गैसियस सिस्टम, सो गैसियस सिस्टम के अंदर हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, यही जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, प्रेशर यहाँ पे जो है होता है फोर्स की जगह, और वॉल्यूम जो होता है दैट इज फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा पी डेल्टा वी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यहाँ पे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ऑलराइट, नाउ अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, फर्स्ट लॉ की जो है लिमिटेशन क्या क्या है। सो फर्स्ट लिमिटेशन तो ये है, ये एक्सटेंट एंड कन्वर्टिबिलिटी है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इसकी जो डायरेक्शन है इसको नहीं बता पाती। सेकेंड, ये कितनी मतलब यहाँ पे जो है हीट इवॉल्व हुई है या कितनी हीट जो है यूज हुई है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, ये इसको भी नहीं बता पाती। सो हाउ मच हीट रिक्वायर, सो ये दोनों चीजें जो है नहीं बता पाती।
फर्स्ट इज एक्सटेंड एंड कन्वर्टिबिलिटी डायरेक्शन एंड सेकेंड इज हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। ऑलराइट, सो अभी हम स्टडी करते हैं यहाँ पे इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी, एंड इसको हम डिनोट करते हैं एच से। सो ये जो है टोटल हीट होती है किसी भी सिस्टम की एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो इट इज द टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। यहां पे प्रेशर जो रहेगा वो कॉन्स्टेंट होगा। सो अगर दिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सो ये इन दोनों चीजों का सम होगी। सो इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क दैट इज पी डेल्टा वी, और इसको हम डिनोट करते हैं एच से एंथैल्पी को। सो एच इज इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। सो यहां से आ जाएगी हमारी एंथैल्पी की वैल्यू। ऑलराइट, सो अब हम इसकी यूनिट्स की बात करते हैं। सो इसकी यूनिट होगी किलो कैलोरी या फिर किलो जूल पर मोल। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये जो एच है दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो कि डिपेंड होती हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर और शेप के ऊपर। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो यू है दैट इज इंटरनल एनर्जी, ये एक स्टेट फंक्शन है, ये डिपेंड करती है फाइनल एंड इनिशियल स्टेट के ऊपर। ऑलराइट, सो अब हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक सिस्टम प्रेजेंट है जहां पे प्रेशर और जो टेम्परेचर है दैट इज कॉन्स्टेंट। प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है एंड यहाँ पे जो है वॉल्यूम चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो है हीट चेंज हो रही है। सो यहाँ पे हीट जो है दैट इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड यहाँ पे जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है दैट इज बी वन टू वी टू। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे जो है वर्क डन हमारे पास हमको पता है दैट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है बी वन टू वी टू, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं वर्क डन की। सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी वी टू माइनस बी वन। ऑलराइट, सो अब हम ये जो वैल्यू है ये पुट अप करते हैं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो हमारा फर्स्ट लॉ है दैट इज दिस। सो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। सो ये है हमारी इक्वेशन। सो यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं। सो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू, यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ पे माइनस है, सो माइनस आ जाएगा, माइनस पी वी टू माइनस बी वन। ऑलराइट, और हम इंटरनल एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा है सो यू टू माइनस यू वन, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन। सो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, सो यू टू माइनस यू वन दैट इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वी टू माइनस बी वन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास U2 प्रेजेंट है, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस पी वी टू एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस पी वी वन ये आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ये पी वी टू है इसको इधर ले जाएंगे, U2 प्लस हो जाएगा ये पी वी टू पी वी टू। ऑलराइट, एंड देन हम ये जो माइनस साइन है ये कॉमन ले लेंगे एंड देन यहाँ पे U1 एंड ये इधर जाएगा सो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने माइनस साइन जो कॉमन लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस पी वी वन दैट इज इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ गई यहाँ पे, और हमको ये पता है कि जो U प्लस पी वी दैट इज H, U प्लस पी वी दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी। तो यहाँ पे हमने यू टू एंड वी टू ये यूज हुए हैं, तो यहाँ पे यू टू प्लस पी वी टू दैट इज इक्वल टू एच टू एंड यू वन प्लस पी वी वन सो दैट इज इक्वल टू एच वन। सो ये एच वन एच टू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, सो एच टू माइनस एच वन इज इक्वल टू क्यू पी एंड यहाँ पे आएगा पी, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर चल रहा है इसके अंदर वो कॉन्स्टेंट चल रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पे पी आएगा सबस्क्रिप्ट में। ठीक है, सो ये हमारी इक्वेशन आ गई। सो
H2 - H1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H लिख सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ऑलराइट, सो अब इस इक्वेशन को हम जो है इस वैल्यू को हम पुट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये होती है। सो डेल्टा U इज इक्वल टू, यहाँ पे QP की वैल्यू है डेल्टा H, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा H। एंड वर्क डन हमको पता है दैट इज P डेल्टा V माइनस P डेल्टा V। ऑलराइट, तो यहां से हम एंथैल्पी की जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। सो डेल्टा H इज इक्वल टू, ये P डेल्टा V इधर चला जाएगा, सो डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सो यहां से हमने एंथैल्पी की अदर फॉर्म भी निकाल ली, हमने इसको फाइंड आउट भी कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये डेल्टा वी की जो वैल्यू है अगर ये जीरो हो जाए सो डेल्टा एच किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू के, बिकॉज यहाँ पे हमने डेल्टा वी को कर दिया है जीरो। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, और इसको हम डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई भी लिख सकते हैं, बिकॉज इंटरनल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि यहाँ पे डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ऑलराइट, सो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा यू एंड डेल्टा एच। ऑलराइट, सो हमने स्टडी किया है लाइक यहां पे अगर हमारे पास कोई सॉलिड प्रेजेंट है और या फिर कोई लिक्विड प्रेजेंट है सो उसके लिए तो इनकी जो वैल्यू है वो इनसिग्निफिकेंट रहेगी। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गैसियस मॉलिक्यूल की और यहाँ पे जो प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे जो हमारे पास वॉल्यूम चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 to V2 एंड यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है VA, दैट इज टोटल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय VA, एंड VB इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ऑलराइट, एंड यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है दैट इज Na is the number of moles of reactant and यहां पे Nb जो है that is number of moles of product। Alright, so according to ideal gas equation, so ideal gas equation की जो equation है that is equals to Pv is equals to nRT। So यहां पे हमारे पास reactant के लिए क्या value हो जाएगी, Pv ए आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम रिएक्टेंट के लिए ए है और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के लिए एन ए है, सो एन ए आर टी। सो ये हो जाएगी हमारे रिएक्टेंट के लिए इक्वेशन। अब हम ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए लिखते हैं, सो पी बी यहाँ पे बी आ जाएगा प्रोडक्ट के लिए एंड यहाँ पे एन बी मोलिक्यूल्स है प्रोडक्ट के लिए एंड आर टी। अब हम प्रोडक्ट में से ये जो रिएक्टेंट वाली जो इक्वेशन है इसको माइनस कर देंगे, सो पी बी बी माइनस पी बी A इज इक्वल टू एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, यहां से P कॉमन निकाल लेंगे वी बी माइनस वी ए एंड देन यहां पे हम आर टी कॉमन निकाल लेंगे, सो एन बी माइनस एन ए। ठीक है, सो अब ये वी बी माइनस वी ए दैट इज चेंज इन वॉल्यूम, सो दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा वी, सो P डेल्टा V आ जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल्स टू यहाँ पे एन बी माइनस एन ए, सो इसको हम डिनोट करेंगे डेल्टा एन जी आर टी और ये डेल्टा एन जी जो है दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऑलराइट, सो यहाँ पे P डेल्टा V की वैल्यू हमारे पास आ गई डेल्टा एन जी आर टी और चेंज इन एंथैल्पी हमने जो स्टडी की थी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी,
हमने अभी ये इक्वेशन जो है फाइंड आउट की थी, तो इसके अंदर जो है हम पी डेल्टा बी की वैल्यू जो है पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसकी वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एनजी की जो वैल्यू है चेंज होगी, सो यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा एच एंड डेल्टा यू की। सो यहाँ पे अगर हमारे पास जो एनजी की वैल्यू है, फर्स्ट केस ये होगा एनजी की जो वैल्यू है वो अगर जीरो है तो यहाँ पे डेल्टा एच जो होगा इक्वल होगा डेल्टा यू के। ऑलराइट, अगर यहाँ पे डेल्टा एनजी की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो लेस देन होगी इंटरनल एनर्जी से। अगर यहाँ पे थर्ड केस है एनजी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी डेल्टा यू से। ऑलराइट, एंड अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप स्टडी करते हैं बिटवीन सीपी एंड सीवी अकॉर्डिंग टू देयर एंथैल्पी चेंज। तो यहां पे रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, और लाइक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारे पास कोई भी यहां पे सिस्टम प्रेजेंट है उसकी जो हीट है दैट इज क्यू एंड एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो इसको हम डिनोट करेंगे क्यू वी से। सो दिस इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कॉन्स्टेंट, मतलब यहाँ पे जो हीट जो इक्वल होती है दैट इज इक्वल टू कोफिशियंट दैट इज सी इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, एंड यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम है तो यहाँ पे आ जाएगा सीवी डेल्टा टी, और जो सीवी डेल्टा टी होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ऑलराइट, ये हमारी इक्वेशन जब आई है जब यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम जो है कॉन्स्टेंट है। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हीट जो होगी दैट इज इक्वल टू क्यू एंड इसको डिनोट करेंगे हम क्यूपी से। सो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू, और ये जो सीपी इंटू डेल्टा टी होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच। ऑलराइट, सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे फोर आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास वन मोल ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट है, वन मोल ऑफ आइडियल गैस। ऑलराइट, सो हमने भी हीट एंथैल्पी चेंज जो स्टडी किया था दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने ये स्टडी किया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो है डेल्टा कॉमन ले लिया यहाँ से पी डेल्टा वी, इसको हमने लिख दिया पी वी, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, एंड यहाँ पे वन मोल ऑफ आइडियल गैस लिया है सो एन की वैल्यू हो जाएगी वन, सो यहाँ पे पीवी हो जाएगा इक्वल टू आरटी, सो पीवी इज इक्वल टू आरटी, सो डेल्टा आरटी। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस डेल्टा को ओपन कर देंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी, ये इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे जो हमारी डेल्टा यू की और डेल्टा एच की जो वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू ये पुट कर देंगे, सो यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है दैट इज सीपी इंटू डेल्टा टी, सो यहाँ पे आ जाएगा सीपी इंटू डेल्टा टी, एंड यहाँ पे दिस इज इक्वल टू डेल्टा यू, सो सीवी माइनस सीवी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। अब हम यहाँ से जो है डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे सो सीपी डेल्टा टी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर यहाँ से डेल्टा टी, सो ये डेल्टा टी इक्वल हुई है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे सो सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, सो इसको अगर हम रीअरेंज करके लिखें तो क्या आएगा सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये सीवी जो है इधर चला जाएगा सो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन आ जाएगी और ये रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन सीपी एंड सीवी। अगर यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग में प्रेजेंट थी वन मोल ऑफ आइडियल गैस, अगर यहाँ पे n मोल्स ऑफ आइडियल गैस प्रेजेंट हो, n मोल्स ऑफ
एन मोल्स ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे n आ जाएगा, सो Cp माइनस Cv दैट इज इक्वल टू nr। तो यहाँ पे हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो ये आ जाएगा रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा टॉपिक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड एन्थैल्पी। होप ये आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।